नमस्कार दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत मोदी सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह ऐलान किया है कि देश के सभी मजदूरों को, गरीबों को, कामगारों को, चाहे उनके पास राशन कार्ड है या नहीं, उन्हें प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन और 1 किलो चना दाल देने का वादा किया गया है। यह राशन फ्री में दिया जाना निश्चित किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तब तो आप आसानी से अपने डीलर के पास जाकर नियम अनुसार राशन उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड है ही नहीं या फिर खो गया है तो उस स्थिति में आप राशन कैसे उठाएंगे। तो आज मैं इन्हीं सब बातों को पूरी तरह से साफ करने वाला हूं कि सरकार की तरफ से क्या क्या निर्देश दिए गए हैं जिसका आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो जिनका भी राशन कार्ड बना है या नहीं, आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आपको बताते चले कि सरकार ने चीनी महामारी यानी कोरोना वायरस के चलते लगातार कई दिनों से लॉकडाउन किए जा रहे हैं और जिससे गरीब मजदूर तबके के लोगों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कि आखिर वह अपना गुजर बसर कैसे करे, इसी सब को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त में अनाज देने का वादा किया है। आपको बता दें कि इसके तहत 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक फ्री में अनाज दिया जाएगा और जिनका राशन कार्ड नहीं भी बना है उन्हें भी, जी हाँ, उन्हें भी 2 महीने तक 5 किलो राशन और 1 किलो चना दाल मिलने का प्रावधान है। और सरकार का ऐसा मानना है कि इससे 8 करोड़ मजदूरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसी पर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का कहना है कि जिनका भी राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब जाकर उनको एक स्लिप प्राप्त होगा जिससे वे आसानी से राशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है तब ऐसी स्थिति में सरकार ऑनलाइन पोर्टल खोलने पर भी विचार कर रही है। यह कुछ कुछ दिल्ली सरकार के केजरीवाल सरकार के मॉडल पर ही आधारित होगा। आपको बता दें कि इधर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ने राहत पैकेज के तहत से प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष घोषणाएं की हैं जिसमें NFSA लाभार्थी के अलावा 10% वैसे प्रवासी मजदूर शामिल हैं जिनके पास NFSA राशन कार्ड नहीं है, साथ ही राज्य के राशन कार्ड में उनका नाम नहीं है। आगे रामविलास पासवान ने कहा है कि इस संबंध में मैंने खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के सचिवों और FCI के CMD को निर्देश दे दिए हैं। अनाज वितरण का क्रियान्वयन, प्रवासी श्रमिकों की पहचान करना और उनके सूची का संधारण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लाभार्थियों की सूची बाद में 15 जुलाई तक देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ रामविलास जी ने ट्वीट भी किया है, जैसा कि आप इस ट्वीट में देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवासी श्रमिकों को मई एवं जून अगले 2 माह के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा। इसकी पूरी राशि 3500 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। इसके वितरण का कार्य कल से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने पूरी तरह से समझाने का कोशिश किया है कि किस प्रकार से बिना राशन कार्डधारी परिवार को भी 5 kg राशन और 1 किलो चना मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है कि आप तक ऑथेंटिक खबर पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।